एक रोज चौराहे पर चित्रकार बैठा आकर ढेर सारे कई चित्रों का लग गया समंदर। उनकी कला को देखकर हो उठे सब विस्मित, क्या खूब बनाया था उन्होंने, अब तक कैसे थे हम उनसे यूं वंचित। चित्रकारी उनकी देखकर महसूस ऐसा होता मानो हर तस्वीर बयां कर रही हो अपनी अनूठी गाथा। कोई कहता मैं सावन आया हूं, कोई कहती मैं भूमि, तो कोई कहता मैं फलदार वृक्ष हूं, तो कोई कहती मैं रानी। सबके किस्से चकित कर देते, सभी बने सवाशेर। आराइश क्या खूब थी, जैसे क्षितिज में उड़ते परिंदे। एक तस्वीर पर नजर पड़ी जो मुझे बुला रही थी अपनी ओर, देखकर जिसे मैं खो सा गया, जैसे समय थम सा गया। उसे देख मुझे सुकून मिला, क्या खूब उसे मखलूक किया, वही जिसने चित्रकारी में जादू बिखेरा। वाह, खून पसीना उसने एक कर दिया। क्या घनी उसकी मिजगा थी, गाढ़े भूरे चमकीली आंखें, आंखें उसकी चश्मे तर थी, जिससे इस्तिराब दौड़ जाती दिल में। उसके चश्मे तर आंखों से मुझको महसूस होता कुछ करुण, पर पहली नजर उसे देखकर श्रृंगार हुआ था महसूस। ना जाने किस उलझन में मैं हो गया मसरूफ, पर नजर उससे एक टक ना हटती, जैसे यह हो ना जाए काफूर। क्या काले घने लंबे बाल थे, रेशमी धागे सी चमकाहट, चेहरा थोड़ा जर्द पड़ा था, आंखें हल्की सुर्ख, पर उसके चेहरे के हाव भाव से कुछ उलझन जान पड़ती। समझ ना आता उसे देखकर कि वह खुश है या दुखी। इस ख्याल में मैं जब डूबा हुआ था कि पलक झपकते बिजली की तेजी से एक हादसा हो गया। एक कार तेजी से आई और ठोक दिया उस चित्र को, सारी रूहानियत सारा सुकून चूर हो गया दो पल में।